सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. यहां से पढ़ना है, पिछला पूरा पढ़ लिया है अपन ने, प्रीवियस सब कवर कर चुके हैं विद क्वेश्चंस एंड ऑल. तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमको कौन कौन से गैस के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन एंड CO2. यहाँ पे हीरो कौन है, ऑक्सीजन है और CO2 है. ये दोनों ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, कहाँ कहाँ पे, ब्लड एंड एल्वियोलाई एंड देन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, ये दो जगह ये ट्रांसपोर्ट होंगे. ओके, कौन है हीरो हमारा, ऑक्सीजन एंड CO2. ओके, ऑक्सीजन नखड़ेबाज है, ऑक्सीजन को किस में जाना है, फटाफट आप लोग बोलते जाएंगे, ऑक्सीजन को किस में जाना है, आरबीसी में, ऑक्सीजन को किस में जाना है, आरबीसी में. मुझे आवाज नहीं आ रही है, फटाफट बोलते जाएंगे, कवर करेंगे जल्दी. ऑक्सीजन को आरबीसी में जाना है, कितना परसेंट ऑक्सीजन जाएगा आरबीसी में, 90%. ओह सॉरी, उल्टा लिख रही हूँ, ऑक्सीजन आरबीसी में कितना जाएगा, 97%. ठीक है, इसको बोट में बैठ के जाना, आरबीसी इज लाइक द बोट. ठीक है, इस पे बैठ के ऑक्सीजन को जाना है. और प्लाज्मा में कितना जाना है, 3%. 3% को मजबूरी में तैर के जाना पड़ेगा, ये जगह नहीं है भाई. CO2, CO2 प्लाज्मा में, प्लाज्मा 7%. ये सब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, 7%. फिर आरबीसी में 25%. ठीक है, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%. ठीक है, जब ये आरबीसी के, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, अमाइनो हीमोग्लोबिन. और जब ये आरबीसी में ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये तो किस किस तरह से जाते हैं ये तो हमने देख लिया, अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है. ठीक है, ये है ब्लड. ठीक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स है, आ रही है, और इसमें जो ब्लड है यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा है. ठीक है, प्लाज्मा है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी आ रहे हैं आपके ऑक्सीजनेटेड होकर के. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होकर के लंग्स के पास से आ रहे हैं. ओके, इसमें है एक बड़ी सी, बड़ी सी क्या, आरबीसी, आरबीसी. ठीक है, इसमें है ये आरबीसी, आरबीसी ऐसी होती नहीं है, एल्पेनलिबिन की तरह. ठीक है, आरबीसी पूरी खाली होती है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, 270 मिलियन के आसपास क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं. ठीक है, और भी कुछ होता नहीं है इसमें. तो यहाँ ये क्या है बच्चे, आरबीसी है, ये क्या है, प्लाज्मा है, दिस इज द प्लाज्मा. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या है, कैसी कैसी कंडीशन है. यहाँ जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कितना है, 95 mmHg. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है इसमें, 40 mmHg है. ओके, ठीक है, तो ये मजे में आ रहे हैं. इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, ऐसे बना दूं मैं हीमोग्लोबिन. ठीक है, दो अल्फा की चेन और दो बीटा की चेन. ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में बच्चे कितना ऑक्सीजन बैठ के आ रहा है, चारों में,
हीमोग्लोबिन में चार ऑक्सीजन बैठ के, ठीक है, ये चार ऑक्सीजन बैठ के आ रहा है, और ये घूमते फिरते आ गया किसके पास, घूमते फिरते किसके पास आ गया, ये टिश्यू के पास आ गया, ये टिश्यू है, ओके, दिस इज द टिश्यू, ये टिश्यू के पास आ गया। टिश्यू के पास आने के बाद यहाँ पे इसको क्या पता चलता है, यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, कम्बशन चल रहा है, मतलब रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन इन टिश्यू चल रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन टिश्यू चल रहा है तो क्या हो रहा है, लगातार लगातार हम किसका यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यहाँ ऑक्सीजन की खपत हो रही है, और बन रहा है क्या, CO2 प्लस ATP बन रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे कम है, एंड CO2 का लेवल क्या ज्यादा, ठीक है, CO2 का ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा CO2 बना दूं, CO2, ठीक है, बहुत सारा CO2 है और ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ 40 कम होगा, कोई कम होगा तो 40 से कम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 40 है, और ये अगर CO2 ज्यादा भी होगा तो 45 से ज्यादा नहीं होगा, 45 mmHg है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे पहुंच गया, अब देख रहा है कि भाई यहाँ तो अब मुझे ऑक्सीजन को उतारना है, ठीक है, सब बोल रहे हैं ऑक्सीजन को उतारो, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे ऑक्सीजन की, क्योंकि ATP बनाना है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन को लोग उतारने के लिए खड़े हैं, बट ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देने को तैयार नहीं है, क्यों तैयार नहीं है, ये तुम लोगों की तरह है, ठीक है, ये तुम लोगों की तरह है, तुम लोग जैसे हो ना कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, आप पहले जब नहीं पढ़ रहे थे तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, और अब जब किताबें मिल गई हैं भाई, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम किताबें किसी को नहीं देंगे, ठीक है, मुझे तो पूरा ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहले लेना नहीं चाह रहा था, अब ले लिया है तो इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो अब इसको ऑक्सीजन को देना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है, और उधर पे 40 mmHg है, तो भाई इधर से ऑक्सीजन उधर जाना चाहिए ना, हायर से लोअर तो जाएगा, ठीक है, हायर से लोअर जाएगा, ऑक्सीजन जाने को तैयार है, लेकिन हीमोग्लोबिन बोल रहा है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है टिश्यू में कंडीशन बनानी पड़ रही है हाई CO2 बढ़ा दिया, ठीक है, CO2 कैसे बढ़ा, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिए, दबाव बना रहे हैं इस पे, ठीक है, तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, तुम छोड़ो, जैसे घर वाले ना पहले बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन जब घर में कोई फेस्टिवल वगैरह हो जाती है तो चाहते हैं कि तुम थोड़ा काम कर लो, मत पढ़ो, है ना, ठीक है, कुछ हो जाता तो बोलते हैं ना नहीं मत पढ़ो, तो ये CO2 पहले बढ़ा दिए, अब क्या टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा बेटा, जब कैटाबॉलिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ ATP बन रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ा करके यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ऑक्सीजन को रिलीज करो। तो ये इतना होने के बावजूद अब ये ऑक्सीजन कितना रिलीज कर रहा है, कितना ऑक्सीजन देगा, बड़ा कंजूस है, कितना ऑक्सीजन देगा, ओनली वन ऑक्सीजन, ठीक है, is released by हीमोग्लोबिन, सिर्फ और सिर्फ एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देगा, इतना बोलने के बावजूद, ठीक है,
इतना बोलने के बावजूद। तो ये लोग बोल रहे हैं अच्छा बेटा अब तुम्हें बताते हैं हम, ठीक है, इतना बोलने के बावजूद तुमने एक ऑक्सीजन दिया, अब हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, ये CO2, कुछ CO2 क्या करेंगे, कुछ CO2 तो प्लाज्मा में चले जाएंगे। CO2 कहाँ चले गए, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कितने परसेंट CO2 जाएंगे प्लाज्मा में, 7% CO2 प्लाज्मा में चले गए, और धीरे धीरे जब होगा तो भाई H2O के साथ मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे, ओके, फिर जाके कार्बोनिक बनाना होगा तो बनाए, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, वहां कोई एंजाइम नहीं है। कुछ CO2 क्या हुए, बाइकार्बोनेट, कुछ CO2 हमारे बाइकार्बोनेट बनाए, CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाए, H2CO3, और H2CO3 फिर ब्रेक होता है किसमें, H प्लस एंड HCO3 माइनस, ये HCO3 माइनस, ये HCO3 माइनस, RBC में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे कुछ चैनल हैं, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है, घूमने चली जाएगी, बोले कि भाई CO2 ऐसे घूम रहा है, मैं भी बाहर निकलूंगी, ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट बाहर चली जाएगी, और बाहर इसको सोडियम वगैरह मिलेंगे तो उनके साथ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह बना लेगी, तो HCO3 बहुत सारी बाहर आने लगी, HCO3 को बाहर घूमता देख करके, ठीक है, Cl के प्राण सूखने लगते हैं, क्लोराइड आयन के प्राण सूखने लगते हैं कि अरे भाई इसको तो मतलब ये तो बिल्कुल आवारा है, इसको पता नहीं है कि HCO3 बाहर आ जाएगा, बाहर ऑलरेडी नेगेटिविटी है तो ये खतरा हो जाएगा, तो ये फिर इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड है वो अंदर चली जाती है, ठीक है, तो यही जो ये जो हो रहा है क्लोराइड का अंदर जाना, दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट एंड, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, हैमबर्गर इफेक्ट, ठीक है, हैमबर्गर इफेक्ट बोल रहे हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है कि क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्लोराइड शिफ्ट में प्लाज्मा टू, ठीक है, प्लाज्मा टू आरबीसी, ठीक है, क्लोराइड कहाँ जा रहा है, प्लाज्मा टू आरबीसी, क्यों जा रहा है, टू मेंटेन आयन, ठीक है, आयन का बैलेंस बनाने के लिए, ओके, अब इतनी चीजें हो गई। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि H प्लस अंदर बढ़ जाए, ये ऑक्सीजन बहुत तेज बन रहा था कि नहीं, हीमोग्लोबिन बहुत तेज बन रहा था कि मैं तो सिर्फ एक ही CO2 को लेकर के जाऊंगा, तो ये बहुत तेज बन रहा था, तो इसने क्या किया, H प्लस, भाई तुम्हारी पीठ तो खाली है तुम्हारे, जो बस होती है ना, बस में क्या करते हैं, ऊपर भर देते हैं, बिहार वगैरह में ज्यादा देखोगे ऊपर भी लोग चढ़ जाते हैं, है ना, तो इस बस के ऊपर लोग चढ़ गए, यहाँ पे H प्लस, सारे H प्लस, सारे जिद्दी H प्लस यहाँ चढ़ गए, क्यों चढ़ गए, क्योंकि ग्लोब्यूलिन पार्ट है, और ग्लोब्यूलिन पार्ट नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसके साथ इजिली अटैच हो जाएगा, तो सारे H प्लस इसके पीठ पे चढ़ गए, बस की पीठ पे चढ़ गए कि हम तो ऊपर चढ़ के जाएंगे, हवा खाते हुए बोला ठीक है भाई, ठीक है, तो इतना करने के बाद इसने जो है क्या किया बेटा, एक ऑक्सीजन हटाया और एक ऑक्सीजन यहां से हटा दिया, एक ऑक्सीजन हटाया तो इसने कितना ऑक्सीजन लिया, कितना CO2 लिया यहाँ पे, 1 CO2, ठीक है, तो एक CO2 यहाँ पे इसने ले लिया, बोला ठीक है भाई चलो इतना दबाव है तो एक CO2 ले लेते हैं, ओके, तो ये CO2, हाँ ये O2 भी तो एक ही छोड़ के आया था ना, वही तो, अभी एक छोड़ा है तो एक CO2, एक ऑक्सीजन को रिलीज किया है तो उसके जगह पे एक CO2 लिया ये, ठीक है, तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन क्या बन गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पर बेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है, H प्लस के साथ जुड़ गया तो HHB बना दिया, तो HHB क्या हो गया, एसिडिक हो गया, खुद ये बफर की तरह काम किया, खुद ये बफर की तरह, H प्लस क्यों ले लिया इसने हीमोग्लोबिन ने,
इसलिए एच प्लस लिया ताकि अंदर जो ब्लड है वो ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, ठीक है। तो ये बोला कि ठीक है ब्लड एसिडिक नहीं होगा, मैं ऊपर इन लोगों को बैठा के ले जाता हूँ और कहीं छोड़ आता हूँ, दूर फेंक आता हूँ, ठीक है। तो एसिडिक ना हो जाए तो इसने अपने ऊपर बैठा लिया और ये खुद एसिडिक हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखो बेटा, यही जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो CO2 के लोडिंग को, CO2 के लोडिंग को, ठीक है, लोडिंग ऑफ CO2, लोडिंग ऑफ CO2 इज नोन एज लोडिंग ऑफ CO2 एट टिश्यू इज बोहर्स इफेक्ट, ठीक है, बोहर्स इफेक्ट। ओके, अब एक चीज और समझना है तुमको कि यहां पर जो हीमोग्लोबिन है कितना परसेंट सैचुरेटेड है, कितना परसेंट? तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है तो 25%, दो है तो 50%, तीन है तो 75%, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ इधर मैं ले जाऊं, क्योंकि सब कुछ इधर लिखा है तो इधर ले जाऊं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज 75% सैचुरेटेड, ठीक है, 75% सैचुरेटेड। ओके, क्लियर हो गया इतना सब कुछ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पर मैम एक O2 लेके गया तो फिर 25% हो गया। कहाँ एक O2 लेके जा रहा है, एक CO2 ना लेके जा रहा है। सैचुरेशन ऑक्सीजन से नापी जाती है, CO2 से नहीं। अच्छा ठीक है, सैचुरेशन कभी भी CO2 से नहीं नापी जाती है, ऑक्सीजन से नापी जाती है कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है। यही आपको काम आएगा ग्राफ में। तो 75% सैचुरेटेड है, और चूंकि ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सॉरी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन थोड़े अलग अलग हो गए, एक ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कह रहे हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ वन ऑक्सीजन ओनली, एक ही ऑक्सीजन निकल रहा है बेटा, एक ऑक्सीजन से अलग होने पे ये क्या बोल रहा है, त्राही माम है ना, कि भाई मैं तो ऑक्सीजन से अलग हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं हम दूसरा कहां पहुंच गए अपन, ये सब कुछ जा रहा है और कहां पहुंच गए अपन अब, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोलाई के पास पहुंच गए, एल्वियोलाई के पास, दिस इज एल्वियोलाई। ओके, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 104 mmHg, 104 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज निग्लिजिबल, 40, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझो कि निग्लिजिबल होता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में एकदम निग्लिजिबल होता है। जैसे ऑक्सीजन अचानक से बढ़ गया, 95 नहीं हो गया, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो CO2 इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका आरबीसी, आरबीसी है, ठीक है, सेम कहानी, ये अपनी आरबीसी, आरबीसी आ गई, सारे आरबीसी आ गए उधर से, ठीक है। और यहाँ जो HCO3 थे, HCO3 बाहर घूम रहे थे, HCO3 सारे बाहर घूम रहे थे, HCO3 सारे बाहर घूम रहे थे, और ये रहा चैनल। तो जैसे ही ये एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं तो जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन वो बड़ा खुश,
ठीक है, जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर पड़ने लगता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है बेटा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, कम हो गया ना, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाहर यहां से एल्वियोलाई से अंदर आने को बेताब है और CO2 बाहर जाने को बेताब है, तो ये होगा कैसे इन, ठीक है, ये कैसे होगा। तो हीमोग्लोबिन अभी लेकर के क्या आई थी, एक CO2 को, बाकी ऑक्सीजन थे, ठीक है, और इसके ऊपर H+ थे, ठीक है। ऑक्सीजन 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 और लेकर के क्या आई थी, एक CO2। तो सबसे पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, अनलोडिंग करने लगेगी, अनलोडिंग करने लगेगी H+ का, अनलोडिंग अनलोडिंग ऑफ H+ H+ रिलीज करने लगेगी। हाँ, अनलोडिंग करेगी, मतलब लोड किया था ना, अब अनलोडिंग कर रही है ना, अनलोड कर रही है, उतार रही है ना, ठीक है, इसको उतार रही है, बोल रही भाई उतरो उतरो उतरो, पहुंच गए है ना, जहां ले जाना था वहां पे पहुंच गए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो मुझे अब ऊपर जितने लोग बैठे हैं सबको उतारो, क्यों क्यों उतारो, अभी किसको लेना है, ऑक्सीजन को सिर्फ लेना है, ठीक है। और ऑक्सीजन आ गई तो H+ का अभी कोई जरूरत नहीं है, तो H+ को उतार दिया। तो H+ उतरते ही ये जो HCO3 थे ना, ये खुश हो गए, वाह H+ वापस, सभी खुश हो गए, ये अंदर आ गए, दे रश इनसाइड, ठीक है। और ये HCO3 किसके साथ मिल जाएंगे, H+ के साथ, और क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। और ये H2CO3 किसमें टूट जाएगा, वाटर एंड CO2 में, तो बहुत सारा CO2 बन जाएगा, बहुत सारा CO2 हो जाएगा, ठीक है। अब CO2 खाली हो गया ना, तो CO2 विल रश, ठीक है, CO2 रश टुवर्ड्स एल्वियोलाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, एक्सहेल एंड एक्सहेल आउट, ठीक है, एक्सहेल आउट हो जाएगी, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू ये उधर चली जाएगी और ये एक्सहेल आउट हो जाएगी। CO2 इधर जा रही है, H+ इधर जुड़ते जा रहा है, ठीक है। और अब क्या हुआ, चूंकि आपका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ओके, ऑक्सीजन बहुत सारे अंदर आ रहे हैं, तो ये जो CO2 है ये हट जाएगा, इसको लात मार के भगाया जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है उधर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ऑक्सीजन मूव टू ब्लड, ठीक है, फ्रॉम एल्वियोलाई से ब्लड की ओर जाएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 जो है वो बाहर जाने लगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ओके, अब यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन बहुत सारा हो जाएगा, ऑक्सीजन सारे हीमोग्लोबिन, जितने मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन हैं, वो सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 95 mmHg, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, 95 mmHg। और CO2 बाहर चले गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 mmHg। नाउ इज दिस क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, हाँ, HCO3 बाइकार्बोनेट अंदर गए तो क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड बाहर चला जाएगा, क्लोराइड बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्लोराइड बाहर चला जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स क्लोराइड
ये प्लाज्मा में वापस चला जाएगा ना, ठीक है? हाँ, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या हो रहा है, क्लोराइड मूव फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसमें कहाँ जा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग हो रही है, ठीक है? लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है? लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रही है, लंग्स में, ठीक है? तो हेल्डेन इफेक्ट कहाँ दिखेगा, लंग्स। लोडिंग ऑफ सीओ टू कहाँ हो रही है, टिश्यू में, तो बोहर्स इफेक्ट कहाँ दिखेगा, टिश्यू में, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है ना मैम, बहुत अच्छे से आ गया समझ। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, चलो। हाँ, अब देखो मैं आपको छोटी सी और कुछ बात बताना चाहती हूँ। ये हमारा ये ब्लड वेसल है बेटा, ठीक है? ब्लड वेसल है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड, ओके। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, लंग्स या एल्वियोलाई, हम सीधे लिखते हैं एल्वियोलाई। नीचे क्या है, टिश्यू, ठीक है? नीचे है टिश्यू, यस, ठीक है? नीचे है टिश्यू, ओके। यहां बनाया था, ये क्या है, आरबीसी, और यहां भी बनाया था आरबीसी, ठीक है? यहां भी बनाया था आरबीसी, आरबीसी, इज दिस क्लियर? अब yes. देखो यहां पे CO2 लोड हुआ। ओहो, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे कोई और एनोट कर रहा हो। CO2 लोड, ठीक है? CO2 लोड, ऑक्सीजन अनलोड, ठीक है? ऑक्सीजन अनलोड। तो यहां पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितनी है, 75%, ठीक है? और यहाँ पर ऑक्सीजन लोड, ऑक्सीजन लोड कौन आया, CO2 अनलोड, ठीक है? CO2 अनलोड, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है, हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड, 100% सैचुरेटेड का मतलब है कि हीमोग्लोबिन, वेट अ मिनट, तभी O2 मतलब लोड करनी, कोई आना चाह रहा है ना, अब कौन आना चाह रहा है आधी क्लास निकलने के बाद? हाँ, अब आधी क्लास निकल गया, अब क्या मतलब, ठीक है? 100% सैचुरेटेड हो गया। इधर पे पार्शियल प्रेशर, जल्दी जल्दी बताते जाओ, CO2 का 45, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, ठीक है? इधर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, इधर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 40, ठीक है? 40 है। अब देखो क्या होता है कि 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है,
100 ml ब्लड जो है कितना लेकर के आ रही है बेटा, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना लेके आ रही है, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब है कितना दे रही है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाती है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ये लेके जा रही है यहाँ पे, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, 15 ग्राम, अगर मैं आपके ब्लड से सिर्फ 100 ml ब्लड निकालूं तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाएगी, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगी, ठीक है। तो 20 ml ये ऑक्सीजन लेके आ रही है, मैं यहाँ लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रही है, ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन ये लेकर के जा रही है। जैसे ही ये 20 ml ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पे आई, ठीक है, चलो यहाँ आई, वो हम बात छोड़ देते हैं। फिर वो जब वो जा रही है, जब वो जा रही है तो उसका फेट क्या है देखो, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, कितना है, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और यहां पर जब वो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कितना छोड़ी है, कितना रिलीज की है, 5, कितना रिलीज की है बेटा यहाँ पर, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज की है। तो हमने पढ़ा है कि ये 5 ml ऑफ मतलब ऑक्सीजन रिलीज करती है, पढ़ा है ना कि टिश्यू के पास जाती है तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करती है, ठीक है, बाकी अपने पास रखती है 15%। क्यों क्यों 5 ml, भाई यहाँ पे 15 ml कहाँ से आया भाई, 75% ही तो रिलीज कर रही है ना, 75% सैचुरेटेड है ना, 75% सैचुरेटेड है अभी भी, हाँ यहाँ पे क्या है, 100% सैचुरेटेड है, 100% सैचुरेटेड है, और वहां पे आपका 75% सैचुरेटेड है, तो ये 5 ml दे रही है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो CO2 रहता है, ठीक है, CO2 जो होता है वो कितना होता है आपका, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना CO2 घूमता है बेटा, कितना CO2 घूमता है, 100 ml ब्लड में घूमता है आपका 48, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 48 ml ऑफ CO2, ठीक। और जब ये यहाँ जाता है, यहाँ आता है, तब तक इसके पास कितना हो जाता है, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना CO2 हो जाता है, 52 ml CO2। तो ये कितना CO2 लोड कर रहा है इधर से, 4 ml, 4 ml CO2 लोड कर रहा है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं है, yes, ma'am. है, तो उसी लाइन को हमने समझ लिया, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो रहा है, 4 ml CO2 को वो लोड कर रही है और 5 ml ऑक्सीजन वो दे रही है। इज दिस क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो देखो, हमने क्या पढ़ा अभी कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 15 ग्राम ऑफ सॉरी हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन 100 ml में, अगर मैं आपका 100 ml ब्लड निकालूं तो उसमें आपका रिपोर्ट में कितना आना चाहिए, 15 ग्राम आना चाहिए, तो आप हेल्दी हो, ठीक है, ठीक है। तो 15 × 1.34 क्यों किए, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है कितना लेके जाती, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको, पढ़ना है कि नहीं, 1.34 ये रेशियो पढ़ना, तो ये कितना लेके जाएगी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ml आता है अप्रोक्स, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन।
तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कब, जब सेचुरेटेड है 100%, मतलब हीमोग्लोबिन के चारों में ऑक्सीजन भरे, लेकिन भाई आगे चल के ऑक्सीजन को छोड़ दिया ना, रिलीज कर दिया, तो जब रिलीज कर दिया, जब रिलीज कर दिया, जब वो 75% सेचुरेटेड हो गई, तो 5 ml उसने दे दिया, और अब उसके पास कम बच गए, अब उसके पास कितने हो गए, 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हो गए आपका, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ रह गया, मतलब आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml अगर मैं आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालूं तो कितना होगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालूं 100 ml तो कितना ऑक्सीजन होगा, 15 ml होगा, ठीक है, समझ गए, बाकी कहाँ चला गया, बाकी कहाँ चला गया बेटा, टिश्यू को चला गया, इज दिस क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ जाए, सो अब हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू, सीओ टू इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दिख तो रहा है, दिख रहा है, सीओ टू इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये परसेंट बेटा एकदम रट जाना चाहिए, इतनी बार पढ़ लिया हम, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू, किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू से, पीओ टू इज मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी एक मेजर फैक्टर है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बाइंडिंग सीओ टू के बाइंडिंग में मेजर फैक्टर क्या क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो द मेजर फैक्टर, पार्शियल प्रेशर क्या है, उधर पे कम है, तो पार्शियल प्रेशर कम है तो जाना तो पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा तो सीओ टू को आना पड़ेगा, है ना, खाली जगह भरना पड़ेगा, when PCO2 is high, the PO2 is low, as in tissue, more binding of CO2 occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place, ठीक है, association of hemoglobin कहाँ हो रहा है, association of हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है बेटा, एल्वियोली, हाँ, डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है, टिश्यू, टिश्यू में हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, टिश्यू में, तो यही वाइस वर्सा चलेगा, वाइस वर्सा चलेगा ना सीओ टू के लिए, ठीक है, सीओ टू का डिसोसिएशन association vice versa chalega, so CO2 which is bound hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli, RBC contain very high concentration of enzyme, RBC mein bahut high concentration mein enzyme hote kaun, carbonic anhydrase, aur fastest hota hai, and the minute quantity of same is present in plasma too, dekho plasma mein bahut kam paaye jate hain aur wo bahut dheere dheere isliye process chalta hai, matlab plasma mein bhi carbonic acid banega, H2CO3 banega, lekin बहुत स्लो बनेगा, ठीक है, ओके, बहुत स्लो बनेगा, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, देखो कुछ टीचर क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा में तो कार्बनिक बनेगा ही नहीं, ऐसे वो घुल के चला जाएगा, लेकिन देखो एनसीईआरटी भी बोल रही है, मैंने भी अभी आपको बोला कि प्लाज्मा में वो क्या होता है, बनता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस चलता है, ठीक है, so at the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into the blood, tissue mein kya ho raha hai, CO2 diffuse into the blood and forms HCO3, H+, ye sab humne pad liya beta, wahi hai, hai na, at the alveolar site PCO2 is low, partial pressure of CO2 low hai, to kya hoga, opposite direction mein reaction chalegi aur formation of CO2 H2O banega, theek hai, tissue mein CO2 H2O mila ke H2CO3, आपका एल्वियोलाई के पास क्या बन रहा है, HCO3 ब्रेक हो रहा है CO2 एंड H2O में, बस यही बात आपका लिखा हुआ है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई, इज दिस क्लियर, कितना लेके गया था, कितना लेके गया था बेटा, 4 ml लेके गया था, अभी हमने पढ़ा, 4 ml लेके जा रहा है,
तो 4 ml जाके किसको देगा? एल्वियोलाई को देगा, ठीक है? रखो रखो तुम्हारा, ठीक है, सीओ टू, ओके। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 molecule ऑफ O2, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है? देखो, बाइंडिंग इज, ठीक है, बाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो बाइंडिंग होगी ज्यादा, ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर दिस बाइंडिंग। अगर इस बाइंडिंग को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इस बाइंडिंग को तोड़ना है, इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक अप, इन दोनों में ब्रेकअप कराना है सीओ टू, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में ब्रेकअप कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? CO2 बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, H+ हटाना पड़ेगा, H+ कम करना पड़ेगा, H+ बढ़ाना पड़ेगा, pH कम करना पड़ेगा, H+ बढ़ाना पड़ेगा, pH कम करना पड़ेगा, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये सब हमको उन लोगों के ब्रेकअप कराने के लिए करना पड़ेगा, ओके। सो इतना कुछ करेंगे तब जाके ब्रेकअप होगा। तो आप लोगों की तरह है, पहले हम नहीं पढ़ेंगे मैम, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम दिल खोल के पढ़ेंगे, फिर तो पढ़ाई छुड़वाने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिग्माइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पीओ टू। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो आपकी आती है वो कैसी आती है बेटा? सिग्मोइड आती है। कैसी आती है? सिग्मोइड आती है ना। देखो क्या है कि ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, ठीक है, अभी हमने बोला कि बाइंडिंग से रिले पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है, तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे ऑक्सीजन का, तो वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़नी चाहिए। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे सिग्मोइड क्यों बन रहा है भाई? यहाँ पे क्या बन रहा है? सिग्मोइड बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? अदर फैक्टर्स भी तो है, ठीक है, अदर फैक्टर क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो जाना तो सीधे चाहता है, लेकिन अदर फैक्टर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो आप जो एक तरफ क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है, दूसरी तरफ क्या बता रहा है? आपका हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ 100% सेचुरेशन कब होता है? जब देखो कहां पर जाके, जब आपका प्रेशर ऑलमोस्ट जब आपका प्रेशर ऑलमोस्ट कितना है? 95-98 के आसपास है। कहां पे है? 95-98 के आसपास है। जब 98 तक ऑलमोस्ट पहुंचा, तब जाके ये कितना हो रहा? 100% सेचुरेटेड। 100% सेचुरेटेड मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को लेके जाएगी, ठीक है। ये 4 जो आयरन है ना, वो 4 ऑक्सीजन को पकड़ लिए, 100% सेचुरेटेड हो गया, ओके। तो इसी में क्या होता है? इसी में क्या होता है कि जब टिश्यू के पास जाएगा, तो कैसा हो जाएगा बेटा? राइट साइड मूव करेगा, और जब वो लंग्स के पास जाएगा तो किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड कर्व मूव करेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेगा टिश्यू के पास। यहां पर टिश्यू के पास जाएगा तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड कब होगा? जब वो लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास जब जाएगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? हेल्डेन। और जब टिश्यू के पास जाएगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? बोहर्स इफेक्ट। मान लो 20 में ही मान लो इतना ज्यादा एसोसिएट हो जा रहा है, या फिर 25 में ये कितना हो जा रहा है बच्चे? 25
पार्शियल प्रेशर में ही 25 mmHg में ही ये कितना मिल जा रहा है, कितना सेचुरेटेड हो जा रहा है, 80%। ठीक है, 80% हो जा रहा है। और 80% यहाँ होने के लिए, टिश्यू में होने के लिए कितना लगा रहा है बेटा, 60। कितना लगा रहा है, 60। ठीक है, ये ग्राफ देखने आता है ना, लंग्स में, लंग्स में ये 25 में ही हो जा रहा है। और वही CO2 में, सॉरी टिश्यू में, अगर हम चाहते हैं कि 80% सेचुरेटेड हो जाए तो कितना लग रहा है पार्शियल प्रेशर, 60 लग रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसको खाली पेज में समझ लेते हैं। ओके, सो सेचुरेशन का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब लेफ्ट साइड कर्व जाएगा, लेफ्ट साइड कर्व जाएगा, लेफ्ट साइड कर्व का मतलब है कि कम, लेफ्ट साइड कर्व का मतलब है, लेफ्ट साइड कर्व का मतलब है, कर्व का मतलब है बच्चे कि कम, ठीक है, लेस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, लेस पार्शियल प्रेशर पे भी, ओके, लेस पार्शियल प्रेशर इज नीडेड, नीडेड फॉर फॉर सेचुरेशन, सेचुरेशन के लिए लेस पार्शियल प्रेशर लग रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन राइट साइड कर्व का क्या मतलब है, राइट साइड कर्व का मतलब क्या है कि उतना ही, ठीक है, राइट साइड, राइट साइड कर्व का क्या मतलब है, हाई, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर, नीडेड फॉर सेचुरेशन। ठीक है, ओके, जब हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे 40 में ही, 40 में ही मतलब 30 में ही समझो कि हमको कितना बेटा सेचुरेशन मिल गया, 75% सेचुरेशन मिल गया। कितना पार्शियल प्रेशर में ही, 30 में ही मान लो हमको कितना मिल गया, 75% सेचुरेशन। और यही 75% सेचुरेशन हमको टिश्यू में करने के लिए कितना प्रेशर लग रहा है, ऑलमोस्ट 78 mmHg। इज दिस क्लियर? अब ग्राफ समझ में आ गया कैसे होता है। ठीक है, टिश्यू में जाएंगे तो वही हमको ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब जाकर के बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चाहिए, तब जाके वो सेचुरेटेड हो। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, हो गया कि अब देखो 75% सेचुरेटेड होने के लिए कितना पार्शियल प्रेशर चल रहा है, नीचे नीचे क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर है, इधर कौन सेचुरेशन है। 75% हीमोग्लोबिन को ले जाने के लिए लंग्स में कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए, 30 ही चल जा रहा है। ठीक है, 30 mmHg चल जा रहा है, मतलब इतना होता नहीं है, ग्राफ से बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, कम लगता है। और वही लंग्स में अगर हम जाएं, लंग्स में अगर हम जाएं तो 75% सेचुरेटेड होने के लिए मतलब 3 ऑक्सीजन को लेने के लिए हीमोग्लोबिन को कितना प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, 78 mmHg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अच्छे से क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड कर्व कब होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और लेफ्ट हैंड साइड कर्व कब होती है। राइट हैंड साइड कर्व में कब होगा, जब टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, CO2 ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा, pH कम होगा, टिश्यू में होगा, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या होगा, डिसोसिएशन। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लंग्स की बात कर रहे हैं, तो CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, pH ज्यादा, लंग्स और यहाँ पे एसोसिएशन। तो जो हमने पढ़ा उसी को हमने ग्राफ में देख लिया, तो हमने ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, सिर्फ ग्राफ में इसको उतार दिया। वही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि दोनों बता रहा है ना, एसोसिएशन कहाँ हो रहा है, डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, हैल्डेन
और राइट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, बोहर्स होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बोहर्स इफेक्ट क्या होता है? बोहर्स इफेक्ट होता है आपका लोडिंग सीओ टू का, हेल्डेन होता है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि अभी तक जो पढ़ा बस उसका ग्राफ बना दिया बेटा और कुछ ही नहीं किया। और ग्राफ हमने कैसे बना बनाया मैम? सिंपल, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख दिया ऑक्सीजन का, इधर क्या लिख दिया? सेचुरेशन लिख दिया। तो 75% सेचुरेशन लंग्स में कम प्रेशर में ही हो जा रहा है, और वही 75% सेचुरेशन करना है टिश्यू में तो ज्यादा प्रेशर में हो रहा है। क्लियर? ठीक है, यस मैम। ये बहुत इजी तरीके से बेटा हमने समझ लिया है। ओके, अब ये रेगुलेशन भी खत्म ही कर ले। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है? हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा पॉन्स के थ्रू होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हम रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकते हैं, हम जब चाहें तो रोक सकते हैं, जब चाहें तो इसको फास्ट कर सकते हैं, जब चाहें तो एक्सहेल कर सकते हैं, जब चाहें तो हम, यस कंप्लीट हो जाएगा, जब चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फास्ट कर सकते हैं, जब चाहे इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। और कभी कभी ये अपने आप भी होने लगता है, जैसे जब आपकी बॉडी में सीओ टू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप एक्सहेल करने लगते हैं। ठीक है, जब आप दौड़ते वड़ते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एक्सहेल करने लगते हो। क्यों? क्योंकि दौड़ रहे हो तो एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है बॉडी में। ठीक है, एटीपी बन रहा है तो सीओ टू बहुत ज्यादा बन रहा है तो एक्सहेल फटाफट एक्सहेल अपने आप करते हो ना। ठीक है, वो तो अपने आप होने लगता है। दिस इज डन बाई द न्यूरल सिस्टम। बिना ब्रेन के रेगुलेशन के कोई काम नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम इसमें हेल्प करती है। कौन सा न्यूरल सिस्टम? स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा रीजन पे ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलो हम ये देख लेते हैं। क्या मैं इसी डायग्राम में बता दूं? यस मैम, बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो, जैसा बोलो नया बना दूं? मैम इसी में नया ही बना दो। चलो ठीक है इसी में बता देते। तो ये आपका बेटा फोर ब्रेन है। ठीक है, आपकी खोपड़ी, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के नीचे क्या है आपका? ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा पेन यूज कर लेती हूँ। ये वाला पार्ट क्या है आपका? डोर्सल पार्ट है, पीठ वाला पार्ट है। पीठ वाले पार्ट के तरफ ही जूड़ा बांधती हो ना, तो उधर क्या है? सेरेब्लम है। यहाँ पे आपके हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल साइड में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल साइड में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। थोड़ा सा जूम करना है क्या इसको? थोड़ा सा जूम कर दूं ना? नाउ क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये दोनों को बेटा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, दोनों को हम साथ में क्या बोल रहे हैं? रिदम सेंटर, जो अभी हमने पढ़ा, रिदम सेंटर। ठीक है, रिदम सेंटर क्या करती है? इनहेलेशन। ये दोनों जो बच्चे हैं ना, डीआरजी और वीआरजी, डीआरजी वीआरजी क्या करती है? इनहेलेशन करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है किसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को और डायफ्राम को। तो इसका मतलब ये क्या कराती है? इनहेल कराती है। तो ये दोनों ना इनहेल करा दिए, ये दोनों इनहेल करा दिए आपको, जब जरूरत पड़ी तो इनहेल करा। सफोकेशन हो रही है, ये दोनों इनहेल करा दिए, इनहेल करा दिए। तो अब क्या है? इनहेल करा के भूल गए। ठीक है, इनहेल करा के भूल गए। तो फिर ना इनके पिताजी हैं ऊपर में। कौन है पिताजी इनके ऊपर में? दैट इज न्यूमोटॉक्सिक। पी से पापा, पी फॉर पापा। ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और पापा थोड़े टॉक्सिक टाइप के होते हैं ना। ठीक है, तो न्यूमोटॉक्सिक पापा जी हैं और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हैं। ये क्या कर रहे हैं? नलाय को, है ना, नलाय को थप्पड़ मारेंगे अभी। नलाय को स्टॉप कराओ इनहेलेशन स्टॉप कराओ। हाँ, इनहेल करके बंदे की जान लोगे क्या? बंदा एकदम सांस रोक के फोटो खिंचवा रहा है, सांस रोक के खड़ा है, तो भाई एक्सहेल भी तो कराओ। बहुत जो मोटे लोग होते हैं सांस रोक खड़े रहते हैं ना, है ना। तो इन लोग डीआरजी बीआरजी ने सांस रुकवा लिया। अब ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोल रहा, भाई इनहेलेशन स्टॉप कराओ, एक्सहेल कराओ, है ना, फोटो खिंच गई।
तो ये स्टॉप इनहेलेशन कराएंगे। अब एक्सहेल करा दिए तो पापा जी भी कम होशिया मतलब वो नहीं है, है ना, बुद्धू नहीं है ये, अब ये भूल गए इनहेल करवाना, ठीक है इनहेल कराना। तो फिर अम्मा आई, ऐसे अम्मा, ऐसे अम्मा एप्न्यूस्टिक सेंटर, अम्मा आई ठीक है एप्न्यूस्टिक सेंटर, उसके नीचे मम्मी पापा से नीचे होती ना, ठीक है ठीक है, ऐसे तो महिला सर्वोपरि लेकिन घर में एक्चुअली यही चलता, पापा फिर मम्मी, ठीक है। तो मम्मी एपन्यूस्टिक सेंटर, अम्मा, अम्मा बोल रही है मेरे नालायक बच्चे काम के हैं, आप तो यूं ही चिल्लाते रहते हैं। तो फिर अपने एपन्यूस्टिक सेंटर जो क्या करेगी, नालायक सेंटर को बोलेगी, अपने दोनों नालायक बच्चों को, इनहेल कराओ बेटा, रिस्टार्ट हो जाओ, पापा चले गए, इनहेल कराओ, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो डीआरजी वीआरजी हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ब्रेन है हमारा, ठीक है, और मेड्यूला ऑब्लंगाटा है पॉन्स, पॉन्स वाले एरिया में न्यूमास्टिक, न्यूमोटॉक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, और मेड्यूला वाले एरिया में हमारा मेन रिदम सेंटर होता है। रिदम सेंटर डीआरजी वीआरजी ये क्या कराते हैं, इनहेल कराते, इनहेल करा लिए उसके बाद ये भूल गए। फिर पापा जी आए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इसने क्या कराया, बोला स्टॉप करो इनहेलेशन। फिर अम्मा आई, अम्मा ने क्या बोला कि भाई फिर से रीस्टार्ट कराओ इनहेलेशन, एक्सहेल हो गया अब इनहेलेशन स्टार्ट कराओ, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है, ये जो आपका हार्ट है ना, हार्ट में जब वेन से ब्लड आता है ना तो पता चलता है CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप ऐसी जगह पे हो जहां पे CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, H+ ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप रहे हो, तो ये क्या करता है हार्ट ना, सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है बेटा, किसको सिग्नल भेजता है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर को, किसके थ्रू जाता है ये, CSF के थ्रू जाता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल जाता है। ये सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करते हैं, एक्सहेल कराते, भाई CO2 बढ़ गया, एक्सहेल कराओ बंदे को, एक्सहेल कराओ, जब आप दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो ठीक है, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, CO2 बढ़ गया बॉडी में, अब क्या है सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर क्या बोल रहा है, एक्सहेल करा, डांस कर लिए, बहुत ज्यादा डांस कर लिए, ठीक है, तो एक्सहेल करा, समझ गए क्या समझे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी रिदम कौन है बेटा, डीआरजी, ठीक है, वीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, मेड्यूला, कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में प्रेजेंट है। ये क्या कराते हैं, इनहेलेशन, मतलब ये क्या कराते हैं, कॉन्ट्रेक्शन, कराते हैं, इज दिस क्लियर, ठीक है। अनदर सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है बेटा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स में, पॉन्स, ठीक है, पी फॉर पापा कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स में, पापा जो है पॉन्ड के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको खबर आई कि उनके नालायक बच्चे ये सब कर रहे हैं, तो पॉन्ड के पास बैठ के पापा जी क्या करा रहे हैं, फिर अपने नालायक बच्चों को थप्पड़ लगाए, वो क्या करा रहे हैं बेटा, एक्सहेल कैसे करा रहे हैं, बाय स्टॉपिंग इनहेलेशन, इज दिस क्लियर, बढ़िया से, यस मैम, यस मैम, हाँ ठीक है, इनहेल करा दिया। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इंस्पिरेशन के जो ड्यूरेशन है उसको कम कराते हैं और फिर क्या, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं। तो इंस्पिरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बेटा, इनहेलेशन का टाइम कितना होता है, 0.2 सेकेंड, और एक्सहेलेशन का कितना होता है, 0.3 सेकेंड। तो इनहेलेशन का टाइम घटा ना, 0.2 हुआ, है ना, 2 हुआ। ए कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, जो रिदम सेंटर है उसके जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है, एक कीमो सेंसिटिव एरिया बैठा है,
ठीक है, विच इज सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में पूछेगा बेटा, कहाँ पे है वो, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ओके, कहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट टू, अपोजिट टू रिदम, रिदम सेंटर। ठीक है, ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स द HCO2 एंड H2। सेंसिटिव, सेंसिटिव टू CO2 एंड H+। ओके, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही हार्ट के थ्रू सिग्नल मिलेगा कि भाई ये तो बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे, ये रिदम सेंटर को बोलेंगे कि भाई नेसेसरी एडजस्टमेंट करो उस तरह से। ओके, और ये क्या कराएंगे, एक्सहेल कराएंगे। ओके, सो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी। देखो बोला ना, कौन है रिसेप्टर, कौन बता रहा है कि CO2H+ बढ़ रहा है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो रिकोगनाइज द चेंज इन CO2 एंड H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। ठीक है, ये भी रिदम सेंटर को क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं और बोलते हैं कि रिमेडियल एक्शन करो। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस पेज की। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिग्नल इज रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बेटा आपका डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा, अस्थमा और एम्फिजेमा में काफी आपका ये हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, इसमें वीजिंग साउंड होता है, वीजिंग साउंड होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। और एम्फिजेमा में क्या होता है, एम्फिजेमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। हमने क्या पढ़ा, देखो बेटा ये एकदम याद रखना है, अस्थमा जहां पे है उसको लिख लेना। अस्थमा में क्या हो रहा है, वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड हो रहा है। ठीक है, जहां पे ए लिखा है वहां पे बी वाला अफेक्टेड होगा, क्या अफेक्टेड होगा, बी, बी क्या अफेक्टेड होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल अफेक्टेड होगा, याद रखना। ए जहां लिखा है वहां पे बी अफेक्टेड होगा, बेटा हम भूलते हैं ये वाली चीज को। एम्फिजेमा मैंने देखा है बच्चे मतलब बहुत गलती करते हैं इसमें। एम्फिजेमा में क्या होगा, ए में बी अफेक्टेड होगा और एम्फिजेमा में कौन अफेक्टेड होगा, एल्वियोला। ठीक है, एल्वियोलर वॉल्स अफेक्टेड हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है, तो वहां पे और वो उनका जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो भी मोटा हो जाता है, तो फिर रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ गए। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये कहाँ होगा, इंडस्ट्रियल वाले एरिया में। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। इतना ज्यादा भाई हो रहा है कि डिफेंस सिस्टम कितना ही लड़ेगा। सो लंग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन लीड टू द फाइब्रोसिस, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड थस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। ठीक है, वर्कर इन सच इंडस्ट्रियल शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। फाइब्रस टिश्यू हमारे एल्वियोलाई के आसपास पाए जाते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से वो सारे इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि सारे फाइब्रस टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उनमें। ओके, तो लंग ही पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, पूरा चैप्टर NCERT से कंप्लीट हो गया।